लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है। नागरिक के लिए कि बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत जो है दुनिया में उभर रहा है और पिछले 3 साल से लगातार 8% की वृद्धि के दर से देश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसकी तारीफ भी की है और संतोष भी जाहिर किया है और भारत के लिए गर्व की बात। विपक्ष के रवैये पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता ने सरकार को चुना है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सरकार को बोलने से काम करने से विपक्ष लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है और उसी का नतीजा कि संसद में अवरोध है। ठीक यही बात नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जो लोग चुनाव हारे हैं वो संसद में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। चुनाव विपक्ष के इसी रवैये की वजह से ही संसद में अवरोध है, उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और से मोदी जी खुद और अमित शाह बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि 60 साल में पहली बार कोई सरकार है जो लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, इसे क्या एनडीए की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? ये एनडीए की बड़ी उपलब्धि है अटल एरा और अब मोदी युग में जिस तरह से सरकार बनकर के अपना कार्यकाल पूरा कर रही है वे अच्छे संकेत का प्रतीक है। मानसून सत्र के दिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा सदन में उठा विपक्ष की ओर से वो पेपर लीक का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, हमें उसके फैसलों की प्रतीक्षा करनी। नागरिक के लिए कि बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत जो है दुनिया में उभर रहा है और पिछले 3 साल से लगातार 8% की वृद्धि के दर से देश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसकी तारीफ भी की है और संतोष भी जाहिर किया है और भारत के लिए गर्व की बात। विपक्ष के रवैये पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता ने सरकार को चुना है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सरकार को बोलने से काम करने से विपक्ष लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है और उसी का नतीजा कि संसद में अवरोध है। ठीक यही बात नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जो लोग चुनाव हारे हैं वो संसद में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। चुनाव विपक्ष के इसी रवैये की वजह से ही संसद में अवरोध है, उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और से मोदी जी खुद और अमित शाह बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि 60 साल में पहली बार कोई सरकार है जो लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, इसे क्या एनडीए की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? ये एनडीए की बड़ी उपलब्धि है अटल एरा और अब मोदी युग में जिस तरह से सरकार बनकर के अपना कार्यकाल पूरा कर रही है वे अच्छे संकेत का प्रतीक है। मानसून सत्र के दिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा सदन में उठा विपक्ष की ओर से वो पेपर लीक का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, हमें उसके फैसलों की प्रतीक्षा करनी। नागरिक के लिए कि बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत जो है दुनिया में उभर रहा है और पिछले 3 साल से लगातार 8% की वृद्धि के दर से देश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसकी तारीफ भी की है और संतोष भी जाहिर किया है और भारत के लिए गर्व की बात। विपक्ष के रवैये पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता ने सरकार को चुना है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सरकार को बोलने से काम करने से विपक्ष लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है और उसी का नतीजा कि संसद में अवरोध है। ठीक यही बात नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जो लोग चुनाव हारे हैं वो संसद में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। चुनाव विपक्ष के इसी रवैये की वजह से ही संसद में अवरोध है, उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और से मोदी जी खुद और अमित शाह बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि 60 साल में पहली बार कोई सरकार है जो लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, इसे क्या एनडीए की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? ये एनडीए की बड़ी उपलब्धि है अटल एरा और अब मोदी युग में जिस तरह से सरकार बनकर के अपना कार्यकाल पूरा कर रही है वे अच्छे संकेत का प्रतीक है। मानसून सत्र के दिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा सदन में उठा विपक्ष की ओर से वो पेपर लीक का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है,
निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, हमें उसके फैसलों की प्रतीक्षा करनी। नागरिक के लिए कि बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत जो है दुनिया में उभर रहा है और पिछले 3 साल से लगातार 8% की वृद्धि की दर से देश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसकी तारीफ भी की है और संतोष भी जाहिर किया है और भारत के लिए गर्व की बात। विपक्ष के रवैये पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता ने सरकार को चुना है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सरकार को बोलने से काम करने से विपक्ष लगातार रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है और उसी का नतीजा कि संसद में अवरोध है। ठीक यही बात नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जो लोग चुनाव हारे हैं वो संसद में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। चुनाव था, चुनाव विपक्ष के इसी रवैये की वजह से ही संसद में अवरोध है, उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और से मोदी जी खुद और अमित शाह बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि 60 साल में पहली बार कोई सरकार है जो लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, इसे क्या एनडीए की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? ये एनडीए की बड़ी उपलब्धि है अटल एरा और अब मोदी युग में जिस तरह से सरकार बनकर के अपना कार्यकाल पूरा कर रही है वे अच्छे संकेत का प्रतीक है। मानसून सत्र दिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा सदन में उठा विपक्ष की ओर से वो पेपर लीक का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, हमें उसके फैसलों की प्रतीक्षा करनी। नागरिक के लिए कि बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत जो है दुनिया में उभर रहा है और पिछले 3 साल से लगातार 8% की वृद्धि की दर से देश आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और विश्व की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की जो बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसकी तारीफ भी की है और संतोष भी जाहिर किया है और भारत के लिए गर्व की बात। विपक्ष के रवैये पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देश की जनता ने सरकार को चुना है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सरकार को बोलने से काम करने से विपक्ष लगातार रोकने की कोशिश कर। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है और उसी का नतीजा कि संसद में अवरोध है। ठीक यही बात नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि जो लोग चुनाव हारे हैं वो संसद में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। चुनाव था, चुनाव विपक्ष के इसी रवैये की वजह से ही संसद में अवरोध है, उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में व्यवहार करना चाहिए। और से मोदी जी खुद और अमित शाह बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि 60 साल में पहली बार कोई सरकार है जो लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, इसे क्या एनडीए की उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? ये एनडीए की बड़ी उपलब्धि है अटल एरा और अब मोदी युग में जिस तरह से सरकार बनकर के अपना कार्यकाल पूरा कर रही है वे अच्छे संकेत का प्रतीक है। मानसून सत्र दिन सबसे ज्यादा जो मुद्दा सदन में उठा विपक्ष की ओर से वो पेपर लीक का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है, हमें उसके फैसलों की प्रतीक्षा करनी है।